बिल्कुल। काशिफ, आपने नापा से पढ़ा और आपने उसके बाद आप अमेरिका गए, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से आपने पढ़ा। आप अभी बता रहे थे कि थिएटर एंड डांस, फिर आप वापस आ गए। फिर मैं वापस आ गया क्योंकि मुझे आके पढ़ाना था। और ये कौन सा साल था जब आप वापस आए? 2015 के एंड में मैं आया था। 2015 के एंड में। तो वापस आने की क्या वजह थी? वजह यही थी, मैंने ये सोचा कि मुझे वहाँ जॉब ऑफर हो गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में, लेकिन आई थॉट वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो थिएटर पढ़ाते हैं और अच्छा थिएटर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि हमारे असातिज़ा जो थे वो हमें बहुत कोशिश कर रहे थे पढ़ाने की और उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें। मुझे था कि मैं वापस लौट के कम से कम मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको थिएटर की ज़रूरत होगी, थिएटर पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो मैं आके पढ़ा देता हूँ उनको। दैट वाज माई थिंग कि आके ये करूँगा। बैक इन 2015। और फिर आपने थिएटर पढ़ाया, आपने नापा में पढ़ाया जी, और 2022 तक गालबन आप पढ़ाते रहे। मैं पढ़ाता हूँ अभी भी। आप पढ़ाते हैं जी। नहीं, मेरा मतलब है वो ट्रांजिशन फिर आपकी टुवर्ड्स टेलीविजन हुई। जी जी जी। विद मुश्किल, है ना? आप विद मुश्किल, यस। लेकिन वेब सीरीज में मैंने काम करना शुरू कर दिया था, वो भी कोविड के फौरन बाद ही। चुड़ैल्स आई, उसमें लोगों ने पहली दफा मुझे स्क्रीन पे देखा जी। और अच्छा किरदार था आपका, बड़ा पॉजिटिव और बड़ा गुड कैरेक्टर। इट वाज अ गुड कैरेक्टर। हाँ जी। और एक और वजह भी थी क्योंकि शम्स बहुत मेरे किरदार के, मेरे अपने काशिफ हुसैन के किरदार के करीब तरीन किरदार है। जब भी जो मैंने किया है कैसे, तो मैं वैसे ही सोचता हूँ। अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, लेकिन उससे बहुत बेड़ा गर्क हुआ मेरी जिंदगी में। पर्सनल जिंदगी में या प्रोफेशनल जिंदगी में? बिकॉज मैं फायदा ही होगा, मैं तो सोचती हूँ कि वो एक बड़ा एमेंसिपेटेड खुले दिमाग का एक कैरेक्टर था जिसकी गर्लफ्रेंड एक बॉक्सर है एंड ही इज ओके विद इट। तो बड़ी एंड ही लव्स हर। उसने मतलब हर मोड पे उसने कहा कि ये तो मतलब है कि डिस्प्यूट ही नहीं है इस पे। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी स्क्रिप्ट में कि मेरा किरदार जो है वो सबको तुम कहकर बुलाता था। सो आई इनिशिएटेड दिस विद आसिम अब्बासी के क्या मैं आप कह सकता हूं उनको, एंड ही वाज लाइक कि तुम आप क्यों कहोगे? हां, मैंने कहा मुझे लगता है कि वो आप कहता है। सो दैट वाज द रीजन कि वो हर जितनी खवातीन हैं सबको वो आप कहकर बुलाता है। I have to ask now that how has this created problems in your personal life? How कि आपने खुद ये बात छेड़ी है कि बड़े मसले खड़े हुए, कैसे? इससे तो फायदे ही मुझे नजर आते हैं। देखें, शम्स बहुत पॉजिटिव तरीके से सोचता है। जब जुबैदा कुछ कहती हैं और उनको वहाँ जाना होता है उस पार्टी में, वो पहला ऐसा शायद शख्स है वो अपनी मंगेतर पे या अपनी गर्लफ्रेंड पे गुस्सा नहीं करता, सिचुएशन पे गुस्सा हो जाता है, you know? तो ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, बट इट आई एम एन एक्टर, सो इन आवर लाइफ पीपल यूजुअली कंसिडर के हम डायलॉग बाजी कर रहे हैं, right. हम एक्टिंग कर रहे हैं, right. सो जब भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं रखता हूँ अपने किसी चाहने वाले के सामने या अपने लोगों के सामने, तो बाज़ वक़्त उसको ऐसे डिपिक्ट किया जाता है जैसे इतने अच्छे अदाकार हैं। हाँ, इतने अच्छे तो नहीं कर रहा कहीं। हाँ। और फिर किरदार आपके अपने किरदार के साथ इतना मिलता जुलता हो, फिर तो और ही। हाँ, तो रुस्तम के दिनों में क्या हुआ होगा उस पे विवाद में आते हैं। जी जी, आप जी जी उस पे बात, क्योंकि आप एमएमए फाइटर भी हैं और शायद इसी वजह से आपको कास्ट भी किया गया होगा कि मैं करता हूँ एमएमए, मैं हूँ नहीं फाइटर क्योंकि अच्छा, आप अपनी जी जी मैं प्रैक्टिस जरूर करता हूँ, लेकिन मैं फाइटर नहीं हूँ क्योंकि मैं लड़ा नहीं हूँ ना किसी रिंग वगैरह में, लड़ा नहीं, इसलिए मैं अपने आप को कंसिडर नहीं कर सकता वैसा। लेकिन हाँ जी मैं करता हूँ, वो मुझे लगता है वो जरूरत है उसकी। अच्छा, उसकी क्या जरूरत है? अरे सेल्फ डिफेंस से ज्यादा यू नीड टू बी, आपको अपना एग्रेशन कहीं तो निकालना होता है ना, राइट? सो आई यूज इट लाइक दैट बिकॉज एमएमए भी एक आर्ट फॉर्म ही है। पंचिंग बैग यूजुअली काफी होता है इसके लिए। हाँ, बट देयर आर टेक्निक्स ना कैसे अपने आप को हर्ट भी नहीं करना ना, राइट right. और दूसरा अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखने को मिल जाता है, हाँ. उससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? है तो मतलब एक्टिंग, आप यू आर अ वेरी फाइन एक्टर। इसमें तो मतलब है कि हम अगर कोई जरा सा भी शक था तो वो महरीन जबार जैसा डायरेक्टर अगर इतनी तारीफ करे तो वो, हाँ, वो आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देख लें, बाज़ औक़ात शख्स जो खुद बड़ा होता है ना वो दूसरों की तारीफ कर देता है। सबकी नहीं की, उन्होंने भी फिर नाप तोल के की, तो मतलब है कि कुछ तो उनको देना पड़ेगा क्रेडिट की, उन्होंने सोच। अरे सब देखें, मैं ये आपको एक सच बता देता हूँ आज के दिन कि अगर मैंने शम्स के किरदार में कुछ किया या मैंने तैयब के किरदार में जो कुछ भी किया वो इसलिए मैं कर पाया क्योंकि मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे अलाउ किया करना करने में, और दे हेल्प्ड मी टू रीच देयर। बिल्कुल। और उसके साथ एडीज फरिया थी, उनके अलीना थी, वो लोग थे जो अगर मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन का सीन है या एक ऐसा सीन है जिसको मुझे अपने इमोशंस को रोक कर रखना है, दे एक्चुअली डिड एवरीथिंग टू मेक मी कंफर्टेबल डूइंग दैट। राइट। उनके बगैर काशिफ कुछ भी नहीं है। सो मैं शायद इतना अच्छा एक्टर कंसिडर नहीं होता अगर ये लोग ना होते। बिल्कुल, बिल्कुल। सो तारीफ तो सिर्फ उनकी हो सकती है, सच पूछें तो। नहीं, अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, थोड़ा सा थिएटर की पहले बात करेंगे। क्या थिएटर में काम करना पाकिस्तान में इज इट सैटिस्फैक्टरी प्रोफेशन एक आर्टिस्ट के लिए? फाइनेंशियली सब फाइनेंशियली इट इज नॉट, बिकॉज आप 2 महीने काम करते हो एक प्रोजेक्ट में, उसके आपको बहुत ही थोड़े से पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आपको पैसे कमाने तो और भी बहुत सारे शोबे हैं, यू नो, आप वो कर लें, सीए कर लें, एसीसीए कर लें, कुछ और कर लें। लेकिन थिएटर मैंने क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था मुझे अदाकार बनना चाहिए, बिकॉज आई लव परफॉर्मेंस एंड आई लव परफॉर्मिंग अ कैरेक्टर। तो थिएटर सीखने से पहले भी कोई आपका एक्सपीरियंस स्कूल कॉलेज में था? बिकॉज फैमिली आपने कहा कि नहीं है बिल्कुल भी एसोसिएटेड। जी, आई वाज 7, मैं 7 साल का था। मुझे आज भी याद है जब मैं एक फिल्म देख रहा था अपने दादा अब्बू और अपने अब्बू के साथ, अंदाज, यूसुफ साहब, राज कपूर और नरगिस। एक सीन है उसमें जिसमें कन्फ्रंटेशन है यूसुफ साहब की और राज कपूर की। जब मैंने वो सीन देखा, I was 7, मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा बनना है। मैं सोच रही हूँ, मैंने भी अंदाज देखी हुई है, शायद आपने देखी होगी। हाँ। यकीनन, आई थिंक, ओह गॉड, बहुत कमाल फिल्म है। यूसुफ साहब, दिलीप कुमार, मैं उनको यूसुफ साहब कहता हूँ। जी, मैं उनको यूसुफ साहब इसलिए कहता हूँ क्योंकि हाँ, मैं शुरू से उनको वही कहता हूँ। ठीक है। सो वो मैंने फिल्म देखी और मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा बनना है जिसमें मेरे वालिद ने कहा अदाकार बनेगा, जिसमें मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा। सो बिकॉज आई न्यू दैट रिएक्शन, सो आई ऑलवेज न्यू कि शायद अदाकार बनना थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है शायद। लेकिन मुझे वो परफॉर्मेंस इतनी मजे की लगी थी कि। और आपके वालिद साहब और दादा वो क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब कमाल करते हैं। किया, ठीक है, जो कुछ नहीं करता वो कमाल करता। अच्छा। ये वालिद साहब की तारीफ में ही बात है। जी जी, वो बहुत पहले बिजनेस छोटा सा था उनका जिसमें वो काम करते थे। उसके बाद से नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेज कि वो कहाँ से आ रहे थे कि जिन्होंने कहा कि अच्छा एक्टर बनेगा, तो वेयर वाज ही कमिंग फ्रॉम? ऑब्वियसली आर्ट कम्युनिटी से कोई ताल्लुक नहीं था उनका। मेरे दादा अब्बू गाने वगैरह सुनते थे, लेकिन वो भी प्रॉपर एक मस्जिद के इमाम थे। अच्छा। उस तरह के थे वो, लेकिन वो बहुत सुर में अजान देते थे, बहुत सुर में। मैंने उनसे अच्छी अजान नहीं सुनी पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि वो भी बहुत कम अजान देते थे। वो हर वक्त उनका होता था कि मैं नहीं दे रहा, उस तरह के थे। लेकिन मुझे लगता है कि अजान देने में भी नखरा हाँ उनका था। क्योंकि उनका था कि अरे भाई, अगर आपको लगता है तो आप दे दें, मुझसे मत कहें। ठीक है, उनका इस तरह का था। लेकिन चूंकि उनको सुर का पता था, इसलिए शायद वो गाने सुनते थे। मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फैन थे वो, और मुकेश के बहुत बड़े फैन थे, और अंदाज फिल्म में मुकेश ने ही गाने गाए हैं सारे। वो गाने सुनते सुनते वो फिल्म देखी मैंने, जिससे मुझे लगा कि मुझे अदाकार बनना चाहिए, और इसलिए मैंने अदाकारी चुनी अपने लिए। लेकिन मैंने कॉमर्स में